कहाँ कर सकते हो? कुर्सी भी यहाँ पे है, गाड़ी को जान दो, रिवर्स में ले लो भाई गाड़ी, अंडे पीछे आगे मत जाओ यार, ये कितना आगे जा रहे हैं यार तुम लोग, घुस जाओ बैक टू फ्रंट हो जाइए ना सामने। अरे नहीं थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हमारा काम है ना। यहाँ पे देखना है उर्फी जी, यहाँ पे तुम भी बोलो। वो सेट चलो यार, वो सेट चलो, सेट लेट हो गया, नहीं मिल रही उर्फी जी। वेट आज के अटायर के बारे में एज वेल एज टुडे देयर इज समथिंग एनएफटी रिलेटेड, व्हाट इट इज? ओ या, आई एम लॉन्चिंग माय एनएफटी ऑन 19, सो उसी का इवेंट है, सो आई एम हियर फॉर दैट। So what is this event is all about? Will you like to share something? NFT, like non-fungible token. So I'm launching my own collection of NFTs and we are just having a pre-launch event and that's it. And launch is on 19th. Well, हाल ही में देखा हमने कि उर्फी के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव ने भी बहुत कुछ, नो कमेंट्स ऑन दैट, यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? दैट्स नो कमेंट्स ऑन दैट, थैंक यू। एज वेल एज व्हाट यू लाइक टू से अबाउट टुडेज अटायर, ऑल्दो यू हैव अ डिफरेंट कलेक्शन एवरी नाउ एंड। आई जस्ट वांट टू से कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूं, सो दैट्स इट। मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है, मैं पुलकी पहनो अच्छे लगते हैं, वो तो मुझे पता ही है। आखिर को तो बोलना था ये इनको कैमरे के सामने लेके आओ, इनका आंसर दिखाना है मुझे, है ना? थैंक यू सो मच। बिल जब आप सुधारने की बात कर रही है, तो अगर आपको आपका अटायर इतना पसंद है तो फिर सुधरना क्यों है, कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? ये तो आपको पता होना चाहिए, घर जाके होमवर्क करके आना, समझ जाओगी मैंने क्यों क्या बोला है। यार देख लो यार, मैं मुझे शर्म आ रही है कुछ बोलने पर, इट वॉज फन, यू गाइज विल नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब उर्फी को डू समथिंग लाइक दैट। शादी हर साल हम स्पिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था, इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे और इस बार ओरेकल में क्या कुछ डिफरेंट देखने? इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया। उर्फी ने बिग बॉस कितना फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, आई एम फॉलोइंग स्पिट्सविला नाउ। बस स्पिट्सविला के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दोगे, अगर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा क्या कुछ, तो फिर दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्पिट्सविला, दैट्स आई मीन इट्स क्रेजी। इस बार इतना कुछ अलग है ना, दैट यू गाइज के नॉट इमेजिन, आई मीन एंड कम ऑन, आई एम देयर, सो कैन यू इमेजिन मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे, माई आउटफिट्स, लाइक टास्क चल रहा है ना, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई आउटफिट्स, बीच पे मैं हील पहन के यू नो ऐसे तो जा रही हूँ, आई एम लाइक आई ओनली परफॉर्म इफ माई आउटफिट मैच इज द टास्क। वेल फर्स्ट एपिसोड में तो हमने देखा था एंड उसमें देखा कि सनी एंड सभी ने टास्क लिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं, सो ऐसा ही। आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड, आई विल बी एंटरिंग नेक्स्ट वीक, व्हाट विल बी द धमाकेदार एपिसोड? यार अभी बता दूं तो धमाका की वो फुसकी बन जाएगी यार, देखो उर्फी सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी। शी इज सो क्यूट, शी इज सो स्वीट यार, मतलब शी वॉज सो नाइस टू मी ऑन द शो, आई कैन नॉट इवन टेल यू, एंड शी इज जस्ट, आई वॉज लाइक व्हेन आई मेट हर आई वॉज लाइक यू नो शी विल शो मी एटीट्यूड कि ये होगी उर्फी अपनी जगह, बट शी वॉज जस्ट लाइक उर्फी आई एम योर फैन, आई लव यू, एंड आई एम लाइक डिड सनी से दैट? शी इज सो क्यूट, शी इज वेरी स्वीट, स्वीट हार्ट।
थैंक यू. पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सवाल सभी जानना चाहते हैं, अब तक के मेरा बच्चा कब हो रहा है, मेरी शादी कब हो रही है, उर्फी के इतने फैंस है हर किसी, लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ जमा के हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट्स, तो ये तो नहीं बनता है. तो प्लीज उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो किसके बारे में, रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं यार, अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं. इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, फिर तो कुछ. आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो, आप सबको रिप्लाई देती हो, नहीं देती हो ना, आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो. आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल, जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, एंड स्पेशली व्हेन यू योर सेल्फ. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है, हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते. व्हाट अबाउट द व्यूअर्स, दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, बट द पीपल आर सेइंग, एंड इफ उर्फी डजंट से दैट, व्हाट दैट मींस. मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है. सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फ्रेंड्स हैं जो आपके वो चाहते हैं कि आप, बट क्या कमेंट आए, क्या कमेंट आए वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आप नहीं पता मुझे, नहीं आई डोंट नो, पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था, एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट. आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम, दैट्स इट. पीछे थोड़ा साइड हो जाओ, आप पीछे ना लग जाओ, आप लोग पीछे से हट जाओ प्लीज. उर्फी जी बैक कौन सा लुक है आपका, ये जो है तुम ही लोग नाम दे इसको. उर्फी जी बैक हो जाओ. ये मेरी बहन को देख के इतना ब्लश करता है, मुझे पूछे इसका बॉयफ्रेंड है यही पे, मैंने कहा वो आ रहा है पीछे से, वो जो 6 फीट का आदमी है, इसको असली बहुत पसंद है, असली को देख के शर्माता है, याद है ना असली असली अनिकेत का है वो बैंड्रा में, अभी पता है कितना कंट, मैं वही सोचू कि कभी थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं यही देखती हूँ कि हर बार ही आते हैं, आज इसकी शक्ल डिफरेंट लग रही है, आज इसकी शक्ल अलग लग रही है, तो ये लेकिन दोनों लेट ही आते हैं. पर ये सोचती थी कि मतलब कैसे इतनी जल्दी गेन और वेट लॉस कर लेते हैं, आज मिस्ट्री क्यों, लेकिन दोनों लेट ही आते हैं. हाँ लेकिन दोनों लेट आते हैं, ये बात सच, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, लेट आ जाते हैं. थैंक यू, कुछ तो कॉमन है. Thank you, man.